दोस्तों, मेवात इलाके में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेवात इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मेवात के सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में रहने वाली रजिया बानो ने भी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की। रजिया बानो का कहना यह है कि राहुल गांधी को मेवात के पिछड़ेपन के बारे में अवगत कराया गया। मेवात की जो बेटी हैं उनके लिए कुश्ती के लिए एक अखाड़ा तैयार किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने राहुल गांधी से बातें की और राहुल गांधी ने रजिया बानो को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही आपकी बातों पर संज्ञान लिया जाएगा। वहीं रजिया बानो का कहना यह है कि लगातार मेवात इलाके के सहित पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब रजिया बानो की राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई तो उनकी कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद की गई और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। लगातार सोशल मीडिया पे उनके फोटो को शेयर किया जा रहा है और लोग अलग अलग कैप्शन से उनको नवाज रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं सोशल मीडिया पर कि रजिया बानो को लेकर के मेवात इलाके के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर रजिया बानो के साथ लिए गए फोटो को साझा किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मेवात इलाके के लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जी जान एक कर दी थी। वहीं एक फेसबुक यूजर कादिर खान ने फेसबुक स्टोरी पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, मेरी सरजमी मेवात आगमन पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस नेता रजिया बानो, रेसलर जी। वहीं एक और फेसबुक यूजर अंसार अली मेवाती ने फेसबुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, मेवाती यूथ पहलवान की तरक्की सुजलरो है, राहुल गांधी ने प्यार से दिल से लगाया है पहलवान को। वहीं एक और फेसबुक यूजर रैयान जमाल ने फेसबुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, ये तस्वीर अद्भुत, प्रेम, संवेदना, मेवात वीर शहीदों की धरती और पहचान। तो इस तरह लगातार सोशल मीडिया पर रजिया बानो रेसलर को लगातार लोग अपने प्यार से नवाज रहे हैं। वहीं रजिया बानो का कहना ये है कि राहुल गांधी मेवात हितेशी हैं और कांग्रेस की सरकार आने पर उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनवाने का मौका देंगे।